अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है कि सर मुझे रात में नींद की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्या कह रहा हूँ, अगर आपका क्लाइंट, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि अगर आपका क्लाइंट कहता है कि सर मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती है या नींद आ जाती है उसके बाद भी मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं या मतलब बुरे बुरे सपने आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि नींद तो लेते हैं बट सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, उठने का मन नहीं करना या फ्रेश फील नहीं करना, इस तरीके की अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए एक यंत्र होता है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस यंत्र को अपने क्लाइंट को दे देना है। नॉर्मल आप उन्हें कह सकते हैं अष्ट धातु की भस्म मार्केट में मिल जाती है, वो ले सकते हैं, और गौलोचन, उन दोनों को मिक्स कर लें, अष्ट धातु की भस्म और गौलोचन को मिक्स कर लें नॉर्मल उसके उसे कॉटन से, उसके नॉर्मल लकड़ी में लपेट के कॉटन से वो यंत्र बना करके, लेमिनेशन करा करके अपने तकिए के नीचे वो अगर रखते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, नींद की जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी वाली कोई बात है, किसी ने हमारी एनर्जी को नेगेटिव किया है या ब्लैक मैजिक कर रखा है या हमारे साथ किसी ने ऐसा तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है जिससे हमको रात में नींद नहीं आती है, बेवजह हमें फालतू के सपने आते हैं या हमारे जो ख्याल हैं वो बेवजह इतने नेगेटिव होते हैं जिससे हम उन सपनों से डर जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो आप ये यंत्र दे देंगे, मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा, आपने उन्हें नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड अगर उन्होंने कुछ कह दिया, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक कह दिया, तो भी आप ये यंत्र उन्हें दे सकते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ। होता क्या है कि कभी भी आप थोड़ा ऑब्जर्व करना कि आप अगर जब सो रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे अगर आप एक चाकू रख लें तो आपके सपने जो होंगे ना वो मारकाट से संबंधित आएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर आपने तकिए के नीचे आपने एक स्पिरिचुअल पुस्तक रख ली, तकिए के जस्ट नीचे आपने केस कोई भी स्पिरिचुअल पुस्तक रख ली, जैसे हनुमान जी, हनुमान चालीसा रख ली या दुर्गा चालीसा रख ली या कोई भी अगर आप पुस्तक उसके नीचे रखते हैं तो वो पुस्तक की एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होती है, रात भर आपको वही ख्याल देते हैं, ठीक है। तो ये जो यंत्र मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो यंत्र है ये यंत्र को आपने क्लाइंट को देना है। बनाना कैसे है मैंने बता दिया, वाइट कलर का पेपर लेना है, ठीक है, उसके बाद अष्ट धातु की भस्म और गौलोचन लेना है, नॉर्मल लकड़ी में कॉटन लगा करके ये यंत्र ईजिली बना सकते हैं, लेमिनेशन करा लें, तकिए के नीचे रख दें, 5 से 7 दिन में नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी कर रखी है या नेगेटिव एनर्जी के कारण उनको नींद नहीं आ रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यंत्र उसको बैलेंस करेगा। हो सकता है क्लाइंट आपको लॉजिक मारे कि ये यंत्र से क्या फ़ायदा होगा, आप ऐसा कह सकते हो कि यार नॉर्मल तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो ये करने में क्या जाता है, कर लो। अब वो बोलेगा कि हम खर्च नहीं कर सकते हैं, गौलोचन तो महंगा आएगा, अष्ट धातु की भस्म भी महंगी आएगी, तो सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, आपने कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाइट पेपर लो, उसमें रेड कलर के पेन से बना करके कुछ दिनों तक अपने तकिए के नीचे रखो, फायदा मिलेगा तब आप खर्च कर लेना। इतना तो हम कह सकते हैं कि फ्री में ले लो भाई, दे दो फ्री में कि ये यंत्र है ले लो, उसके बाद आप इसे वाइट पेपर में रेड कलर के पेन से बना लेना और अपने तकिए के नीचे कुछ दिन तक रख के देखो, आपको जो फायदा मिलेगा तब आप अष्ट धातु की भस्म और गौलोचन से इस यंत्र को बना लेना, लेमिनेशन कर लेना, परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर क्लाइंट इसे, देखिए जो पेन वाली जो रेमेडी बताया हूँ वो मिनिमम है, वो 2 दिन, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको फायदा करेगी, नो डाउट, बट टेम्परेरी है, या फिर वो अपडेट करते रहे बार 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 बार, फिर 15 दिन के बाद उस कागज को चेंज करें, फिर यंत्र बनाए, फिर 15 दिन के बाद अष्ट धातु की भस्म और गौलोचन लगा लेते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो 100%
एक्टिव हो जाती है, ये जो 50-70% काम करेगा वो 100% काम करेगा। बट क्लाइंट के फेथ के लिए आप उन्हें कह सकते हैं कि यंत्र है बना लो, कागज से बना लो, नॉर्मल पेन से बना लो, तकिए के नीचे रखो, नींद की समस्या 5-7 दिन के अंदर में उसकी नींद की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी मैंने अभी तक जितने लोगों को दी है और मैं फ्री में दिया हूँ कि नींद की प्रॉब्लम है ले ले भाई, तेरा कुछ तो अच्छा हो जाएगा, आप भी फ्री में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, कहते हैं ना, तो कुछ नहीं करना है, कागज लेना है, पेन लेना है, बनाना है, तकिए के नीचे रख लेना है, 5-6 दिन में वो खुद देखने लगेंगे कि उनको नींद की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उनके साथ कनेक्टिविटी में है तो वो सॉल्व हो जाएगी, रात में बुरे सपने आ रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, यंत्र में पावरफुल है, जो लॉजिक लगाएगा उसे मत देना, क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो तर्क और वितर्क करते हैं, जहां तर्क और वितर्क आता है यहां तक तो मैं कहता हूं कि ठीक है, जहां कुतर्क आता है तो मैं कहता हूं हट जाओ, जरूरत नहीं है उस कुतर्क में फंसने की, आप उस जगह से हट जाओ, क्लाइंट अपनी जगह में खुश, आप अपनी जगह में खुश, क्लियर हो गई बातें यहाँ पे। तो ये यंत्र इस तरीके से काम करता है, अगर नींद की समस्या आ रही है या किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है।